देखो भाई, मने हनुमान जी रा रे दूसरा भजन तो आवे कोनो। मैं संत वाणी रा है एक भजन आपने सुना दूं, क्या मारी लेन थोड़ी सी अलग है, साथ मारी लेन देख जे भजन याद करी उड़ाई को। नमो नमस्ते सतगुरु और करन सकल सिद्धकार स्वामी जे मलदास जी जीवा तारन जात। नमो राम गुरुदेव जी और जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करणम रामदास आनंद। राम गरीब निवाज का और मोहि बड़ो विश्वास जग जामी पालन जगत प्रभु सबरी पूरे
सरगुण साकार ब्रह्म रे जी आवा रामदेव जी महाराज रा भजन बोलिया या हनुमान जी रा बोलिया जो भी अन्य देवी देवता रा भजन बोलिया आ भक्ति है मीठी भक्ति या श्रृंगारक श्री भक्ति है और अबार जगो भजन बोलियो है आत्म मार्ग आत्म मार्ग ओ मार्ग थोड़ो सी है टेढ़ो दोरो जरूर है लेकिन ई मार्ग में चलने बाद में पाछो आने जाने चक्कर को रे नहीं बी मार्ग में आने जाने का चक्कर रे बाकी मार्ग में थारी डिमांड है मांगने री है के भगवान हे देवी देवता मना चीज या ओ चीज जो मैं भान स्वामणि कर दूं या कोई अन्य और कर दूं और ओ जगो मार्ग बार पद बोलियो अब कैसे हुए जग में जीवनो मारी हेली लागा शब्द राती ई मार्ग में चालियार बाद रमया ई में कोई मांग नहीं है कोई डिमांड नहीं है कि आप कोई वस्तु मांग प्रार लेवा गया ओ बिन मांगिया रो रस्तो है। अब कैसे हुए जग में जीवनो मारी एली लागा शब्द राती है किसे शब्द राती लागिया कि जद माने गुरु सतगुरु भगवान री प्राप्ति रो जो एक लक्ष्य बनियो जद मार परमात्मा मिलने रे लगन लागी लालसा लागी जद मार दिमाग में आई रे कि मैं संसार में झूठो ही जी रही हूं मैं झूठो ही संसार में परपस में फस पर दुख पा रही हूं अरे मेरो असली और सच्चो घर तो परमपिता परमात्मा राम जी महाराज रो घर है जद भी नहीं संसार में जीने री और री कोई चीज री तकलीफ नहीं है इरवास तक काई रे बादलिया थारी छावली काई नुगरारी प्रीत ए बाकी जितो भी परपंच गुरु नो एक बादली छया रे समान है और बादली छया में अगर जो कोई व्यक्ति विचार करे कि हूं घंटो दो घंटो बैठ जाऊं तो बाबी री मूर्खता है क्यों बादली छाया की टिक जे रुके ऐसे ही नुगरे री प्रीत है नुगरो व्यक्ति है वो थाने 20,000 आज मार बीच थारी कसर काट दे
आसामु या कि तू बारों आई जो मुगरो आदमी धार वास्ते को ड्रेस रो कपड़ो ले रहा है देख करो बहुत हानलार की ले भाई मरा तो ड्रेस रो कपड़ो बढ़िया पुसेट सिडार पहन लो कमी सिडार पहन लो आप परंतु बहुत हारी बेइज्जती कट करी जड ब्याह शादी मुई 150 आदमी बेलाड़ो बीज के थारी बेइज्जती करी और महाराज किया चोड़ो बढ़िया लागो बुसेट रो कपड़ो बढ़िया लागो मने ध्यान हो के थार कोई कपड़ो चोको जची शरीर पर वो 100 आदमी भी थारी बेइज्जती कर दे एनुग्रे रीता इन वास्ते महापुरुष केवे काई रे बादलिया छावली काई है नुगरारी प्रीत अरे काई रे नाडोलिया रो नावनो रो पड़ियो समंद में शीर ओ ब्राह्मण रे घरे खोलियो आप विचार करो को ब्राह्मण ने घरे जन्म लियो है तो कोई फोगट में कौन मिलियो है ब्रह्म जनती ब्राह्मण से यानी ब्रह्म ने जाननालो ब्राह्मण है ब्रह्म ने चिन्हनालो ब्राह्मण है और ब्राह्मण रे आगे तो भगवान भी नतमस्तक हुआ है वेद पुराण शास्त्र में देखो आप उठा मेरे को जाति बात ऐसा नहीं है किसी को जाति रूप कटाक्ष कस मेरो लेकिन ज्यो की त्यों बात कह रही हूं यानी ब्रह्म जनती ब्राह्मण से भगवत मतलब शास्त्रों में लिखी है बात कि ब्राह्मण ने करे उत्तम पहलो जन्म हुए शूद्र रे करे दूसरो जन्म हुए राजपुत्र करे और तीसरो जन्म हुए वैश्य यानी बाणियर करे और चौथो जन्म हुए ब्राह्मण करे और ब्राह्मण अगर आप कर्म कांड सही रखे तो वो दूसरे जन्म में आवे महात्मा यानी संत महापुरुष बने वो और संत महापुरुष आप कर्म सही रखे तो भी निश्चिति परमात्मा की पदरी प्राप्ति हो जाए ऐसो भेद है लेकिन वे जज के हर दरिया अथंग जल भरिया रांसा सुगे निजीर के शब्द बोलाऊ संग ले चलो मारी सत सत कहे कबीर शब्द में लगोगे आप शब्द री साधना करोगे तो आप रो जन्म सफल है एने जन भाई आप जानो आप रो काम जाने मार तो कहीं के भौजी हो रे आया करे आश्रम में काम और करे बढ़िया लगे आया जन सबको लगे पहली बार यो शायद मारो आनो एक इरवास थाने का यहाँ के साधु हूँ साधु रा कपड़ा पेड़ो जन थाने दो बात ऐसी सुनार जाऊं क्योंकि थाने हनुमान जी रे भजन थे को तो बार गा दूं हनुमान जी रे गा दूं मैं मेरा बार किसु गए वो हरि राम जी रे गा दूं आडी बेटी चाले हूं चला दा परंतु साधु इरवास थाने थोड़ो ऊंचो उठ परो बताऊं बात के वास्तव में तेरो जीवन ओ नहीं है थारो जीवन ओ है किसो जीवन है तो महापुरुष कहवे